हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू साइलेंस एडिटिंग जोन। आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है और इस फोटो को बेहद सिंपल तरीके से एडिट किया गया है, तो आप लोगों को पूरा समझ में आने वाला है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अभी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना होगा। और आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग ओपन कर लेंगे, और ओपन कर लेने के बाद आपको इस प्लस वाली आइकन पर क्लिक कर देना होगा और आप जिस भी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो उसे यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि गाइस, मैं इस वाली फ़ोटो को अपने ले लिया हूँ, और फ़ोटो को लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी फ़ोटो डल सी लग रही है। तो पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइड में आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक हीलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग सिंपली इस हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद अपनी आप लोग देख सकते हैं अपनी पूरी बॉडी को, आप लोगों को कुछ इस टाइप से अपनी पूरी बॉडी को इस टाइप से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देन गाइस, आपको सिलेक्ट कर देने के बाद आपको सिंपली एक बार में पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद आपको सिंपली ऐसे छोड़ देना होगा। देन गाइस, जैसे ही आप छोड़ेंगे आप लोग देख सकते हैं आपकी फ़ोटो जो है बैकग्राउंड से रिमूव हो चुकी है, और जो भी ये वाला एरिया है फिर से हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी बचा कुचा है, और ये भी रिमूव हो जाएगा। देन गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही गाइस आपको राइट पे क्लिक कर देंगे आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पेंसिल पे फिर से हम लोग क्लिक करेंगे, ट्यून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे नीचे आकर इसकी सेचुएशन को फुल्ली इंक्रीज कर देना होगा, और यहाँ से आके इसकी अम्बाइंस वाले ऑप्शन को भी हम लोग फुल्ली इंक्रीज कर देंगे। देन गाइस, ये सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल वे में हम लोग अपने बैकग्राउंड का किस टाइप से कलर को चेंज कर दिया है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल पे क्लिक कर देंगे, और आप लोगों को ऐसे नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद आप लोगों को एक लेंस ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो पहले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, और आपकी जो है इस टाइप से ब्लर लेंथ वाली खुल जाएगी। तो ऐसे आपको जूम करके छोटा कर लेना होगा, और इसकी थर्ड वाले नंबर को हम लोग फुल्ली डिक्रीज कर देंगे, और सेकंड वाले नंबर को भी हम लोग ऐसे डिक्रीज करेंगे कुछ इस टाइप से। और इसकी ब्लर जो स्ट्रेंथ को हम लोग फुल्ली 100 कर देंगे। हाँ तो गाइज, देन गाइज, आपको इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपकी बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी में ब्लर हो चुका है। और इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो फ़ोटो को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पेंसिल पर क्लिक कर देना होगा, और आपको यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा। इस प्लस वाली आइकन पर क्लिक करते ही आपकी गैलरी जो है ओपन हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इस फोटो को फिर से ऐड कर लेंगे जिस फोटो ने हम लोगों ने शुरू में ऐड किया था। और देन गाइज, ऐड करने देने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी को 100 कर देना होगा, और 100 कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक कर देंगे, व्यू एडिट पर क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस, ब्रश को लेने के बाद आपको यहाँ से कोने साइड में इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से आपकी साइज जो है 0 हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से हम लोग जूम करेंगे, और जूम करने के बाद अपने बैकग्राउंड पर आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्रश को करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देन गाइस, आप लोग अपनी फ़ोटो को फुल जूम कर लीजिएगा, और इसके साइड से अपने कुछ इस टाइप से आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। जैसे कि गाइज, कहीं पे आपको गलती से अपनी आपकी बॉडी कुछ इस टाइप से इरेज हो जाती है, तो आपको यहाँ से साइज़ को 100 कर लेना होगा,
और करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इसे रिकवर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग साइज़ को यहाँ से जीरो कर लेते हैं और फटाफट से इस बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आप लोग म्यूजिक सुनते रहिए। देन गाइस मैंने ऊपर का कर लिया है और नीचे के करने के लिए हम लोग सिंपली ऐसे छोटा कर देंगे और नीचे साइड से आप लोगों को कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना होगा। देन गाइज आपको ऐसे ही बैकग्राउंड पे इरेज कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना होगा और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और बैक हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं आपकी बैकग्राउंड जो है कितनी हाई क्वालिटी में ब्लर हो चुकी है और आपकी फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ा सा भी लॉस नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी फेस को वाइट करने वाले हैं। तो फेस को वाइट करने के लिए हम लोग इस पेंसिल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप लोगों को ऊपर चले आना होगा और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्टिव वाले टूल्स को सिलेक्ट कर लेना होगा। और देन गाइस सिलेक्ट कर लेने के बाद आप अपनी फेस पे इसे कुछ इस टाइप से लगा देंगे और इसे पंच करके ऐसे छोटा करके इसकी यहाँ से ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। देन गाइस फिर से हम इस सिलेक्टिव वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने गले पर लगा लेते हैं, ऐसे छोटा करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपने हैंड पे लगा लेते हैं और जहाँ जहाँ पे आपका पार्ट जो है ब्लैक है वहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना होगा। देन गाइज मुझे जहाँ जहाँ पे नीड थी इसकी मैंने वहाँ पे सिलेक्ट करके एरिया को ब्राइट कर लिया है और इसके बाद हम लोग यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी फेस कुछ इस टाइप से हो गई है। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे काम यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे HDR स्कोप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और जैसे ही गाइज आप लोग क्लिक करेंगे आपको यहाँ से चार ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसमें से सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ से आपको ले लेना होगा और आपको सीधे ऐसे नीचे चला आना होगा। नीचे आने के बाद इसकी सिचुएशन को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर देंगे, लगभग 42 कर देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी फिल्टर जो है इसको हम लोग 20 कर देंगे। और देन गाइज इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक कर देने के बाद हम लोग ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक कर देंगे, HDR स्कोप पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। जैसे ही गाइज आप इस ब्रश को लेंगे आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपको साइज को 25 रख देनी होगी और अपने फेस पे कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ करना होगा। जहाँ जहाँ पर आपका स्किन है इसे कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ कर लेना होगा और इसके बाद आपको यहां से राइट पे क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है। देन गाइज बैक हो जाने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी फेस को स्मूथ करने वाले हैं। तो स्मूथ करने के लिए हम लोग इस फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तीर वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इस फ़ोटो को हम लोग शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक में। देन गाइज मैं इस फोटो को यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ स्केचबुक में। देन गाइज आपको शेयर कर लेने के बाद आपको यहाँ पे साइड में आप लोग देख सकते हैं कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो सिंपली हम लोग इस वाली टूल्स पे क्लिक कर देंगे
और यहाँ पे आपको कई सारे ब्रश मिल जाएंगे। तो लेकिन आपको इस वाले कैटेगरी में स्मर्ज वाले एक जो ऑप्शन मिल जाएगा ब्रश का, तो इसमें आके हम लोग सिंपली लास्ट से तीसरे नंबर वाले ब्रश को ले लेंगे जो कि ये वाला ब्रश है। और इसको लेने के बाद आपको इसकी सेटिंग में चला जाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग अपनी देख सकते हैं जो भी सेटिंग है इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेटिंग करके रखा हूँ, और साइज अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ से कर लेना होगा। तो सिंपली हम यहाँ से कट पे क्लिक कर देते हैं, और अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से आपको जूम करना होगा, और यहाँ से साइज़ को आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देन गाइस आपको इतना कर देने के बाद सिंपली अपनी फेस पे कुछ इस टाइप से आपको, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा सा राउंड राउंड करके आपको इसे ब्रश को चलाना होगा, पूरा राउंड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा राउंड करके आप लोग जैसे ही चलाएंगे, और आप लोग देख सकते हैं गाइस आप लोग कितना फेस जो है कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा ब्रश का जो है दाग नहीं दिख रहा है। तो आप लोग जो है यही चलाने का तरीका है, आप लोग ब्रश को गोल करके चलाइएगा। देन गाइस इसके बाद जहाँ पे आपका साइज़ जो है छोटा चाहिए वहाँ पे साइज आपको छोटा करके आराम से आपको बिल्कुल करना है, जितना टाइम दे के करेंगे आप उतना अच्छे तरीके से आपकी फेस जो है स्मूथ हो जाएगी। तो देन गाइस मैं अगर ऐसे बताता रहा हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं जल्दी से अपनी फेस को जो है स्मूथ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, और आप लोग म्यूजिक सुनिए, एंजॉय कीजिए, जो आगे का प्रोसेस है मैं बता दूंगा। देन गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की फेस जो है कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुकी है। और यहाँ से अपनी फेस को स्मूथ कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, अपनी फ़ोटो को इस वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से गैलरी पर क्लिक करके सेकंड नंबर पर क्लिक कर देंगे, और आपकी फ़ोटो जो है सेव हो जाएगी। देन गाइस सेव हो जाने के बाद आपको अगेन क्या करना होगा, अपनी फ़ोटो को स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लेंगे। और देन गाइस आप लोगों की फ़ोटो फिर से स्नैपसीड ऐप में ओपन हो गई है, और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे सिलेक्टिव वाले टूल्स को ले लेंगे, और फिर से अपनी फेस पर इस टाइप से इसे लगा देंगे, और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ पर आएंगे इसकी सेचुएसन को भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और फिर से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी हैंड पे लगा लेंगे, और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर देंगे। और देन गाइस फिर से प्लस पे क्लिक करके जहाँ जहाँ पे आपका डार्क एरिया है कुछ इस टाइप से आपको सिलेक्ट करके ब्राइट कर लेना होगा, और इसके बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना होगा। और आप लोग देख सकते हैं आपकी फ़ोटो कितना गजब से एडिट हो चुकी है, जो देखने में काफ़ी ओसम सी लग रही है और इस फ़ोटो को सेव करने के लिए हम लोग इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, और हमारी फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो चुका है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।